बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर संशय के बाद अब जो बादल है वो छट चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग छठ पूजा के तुरंत बाद बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर अधिसूचना जारी कर सकती है। सूत्रों की माने तो भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग के बीच हुए बैठक के बाद निर्णय लिया गया है। अब मात्र चुनावी तिथियों की घोषणा होना बाकी रह गया। ईवीएम का मसला करीब करीब सुलझ गया है। ऐसे में पूरी संभावना है कि बिहार पंचायत चुनाव में कई चरणों में मतदान होगा। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ कोरोना महामारी है, वहीं दूसरी तरफ आयोग को चुनाव के लिए 8 लाख ईवीएम की व्यवस्था भी करनी है, क्योंकि वेटिंग ईवीएम पर होनी है। और ऐसे में इन मशीनों को तैयार करने के लिए आयोग को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ सकता है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों ने हेमंत सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। राज्य में कोरोना का ग्राफ अपने उच्चतम पायदान पर है और ऐसी स्थिति में सरकारी कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर झारखंड सचिवालय में एक अधिकारियों और कर्मचारियों के लगातार कोरोना संक्रमित होने के बाद भी एक बार फिर से रोस्टर प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आदेश जारी करते हुए झारखंड मंत्रालय और इसे संलग्न कार्यालयों में 50% उपस्थिति का मापदंड तय किया है। सरकार का यह आदेश सरकारी कार्य का निष्पादन करते हुए अपने लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के मकसद से है। अवर सचिव से नीचे के अधिकारी और कर्मचारी पर यह आदेश लागू रहेगा। इस आदेश के अनुसार अवर सचिव से ऊपर के अधिकारियों को रोजाना कार्यालय आना होगा। जरूरत पड़ने पर 50% से ज्यादा कर्मियों को कार्यालय बुलाया जा सकता है। झारखंड सरकार के द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में 50% उपस्थिति के आधार पर रोस्टर तैयार करने का आदेश निर्गत हुआ है। झारखंड सचिवालय सेवा संघ इसका स्वागत करती है, लेकिन रांची और सचिवालय की स्थिति को देखते हुए सचिवालय में लगभग 150 से 200 कोरोना संक्रमित अभी हैं। इसको देखते हुए झारखंड सचिवालय सेवा संघ सरकार से मांग करती है कि 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मिनी लॉकडाउन लागू हो।